दिवाली रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। दिवाली का समय आते ही सब जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है और जीवन में एक नई उत्साह, नई ऊर्जा, नई उमंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में दिवाली के बाद रोशनी छिन जाती है, खुशियां छिन जाती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एज ए आई स्पेशलिस्ट मैं हर साल जब दिवाली के अगले हफ्ते ऐसे पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में देखता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आँख में लग गई मेरे, मैं भी परसों पटाखा फोड़ रहा था, तो अभी पर सर बताए कि बच गई आँख, और प्रिकॉशन रखे अगर अगली बार फोड़ते समय आप लोग भी फोड़े तो गॉगल लगा के फोड़े, और मतलब थोड़ा सेफ्टी बनाए रखे, और दिवाली में कभी भी ऐसे फोड़ते समय भी सेफ्टी बनाए रखे। पटाखा जला के दूर में देता हूँ तो इसका गोटी जो है आँख लगा आँख में, समय दिखना चोट लगी है 7 बजे के बाद, जिसको 7 सुबह सुबह फटाका जला उसने और वो आंख में घुस गया। वो तो अच्छा हुआ हॉस्पिटल सरकार डॉक्टर ने इमरजेंसी के अंदर हमारे को खोला, इतनी मेहरबानी बहुत अच्छा किया। जिनकी आंखों की रोशनी परमानेंट चली गई पटाखों की इंजरी की वजह से, आतिशबाजी की वजह से, तो मुझे बहुत दुख होता है और हमेशा मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि काश इन्हें कोई पहले समझा देता और ये हादसा इनके साथ नहीं होता। इसीलिए मैं हर साल दिवाली पर ये वीडियो संदेश जरूर जारी करता हूँ, और इस बार फिर सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ साथ हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली यह भी बना रहे, इसके लिए कुछ आई केयर टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उन्हें बताना चाहता हूँ। दिवाली के दौरान देखे जाने वाले हादसों में जो बर्न के केस आते हैं, जलने के केस आते हैं, उसके बाद नंबर 2 पर आई इंजुरीज के केस आते हैं, और इन आई इंजुरीज को रोका जा सकता है, बचा जा सकता है कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखकर, जिन्हें मैं बताना चाहता हूं। ऐसा देखा जाता है कि ये जो आई इंजुरीज होती है बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं और कहना नहीं मानते। बड़ों को हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों को अकेले आतिशबाजी ना करने दें, पटाखे ना जलाने दें। जब भी हम पटाखे जला रहे हैं, आतिशबाजी का यूज कर रहे हैं, तो आंखों में कोई प्रोटेक्टिव आई गॉगल अगर हम यूज करेंगे तो आंखों को बचाया जा सकता है। प्रॉपर डिस्टेंस रखें पटाखों को जलाते समय, और एक ठंडे पानी की बाल्टी हमेशा उस स्थान पर रखें जहां पर हम आतिशबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी बात और जो ध्यान देने की है वो है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर आतिशबाजी ना करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार जो आतिशबाजी की छोटी चिंगारी होती है या कण होते हैं वो आइज में चले जाते हैं, और अगर वो चले गए तो कॉन्टैक्ट लेंस को बर्न करके वो कॉर्निया के साथ मेल्ट कर सकते हैं, जो आइज के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर दिवाली के दौरान, दिवाली के समय, आतिशबाजी के समय ज्यादातर ग्लासेस का यूज करें। जनरली हम, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और फोटोग्राफी का भी पार्ट होता है, तो हम कॉन्टैक्ट लेंस वियर करते हैं, लेकिन आतिशबाजी के समय जरूर ग्लासेस वियर कर लें। और अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हादसा हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि आंखों में कुछ चला जाए, तो इमीडिएट उसे ठंडे पानी से वॉश करें, कोई भी केमिकल अगर चला गया है। और अगर आई में कुछ मेजर इंजरी हो गई है, कोई आतिशबाजी का चिंगारी चला गया है, तो रगड़े नहीं, इमीडिएट नियर बाय जो भी आपके आई स्पेशलिस्ट है उसे दिखाएं, क्योंकि समय रहते अगर हम उस इंजरी को डिटेक्ट कर लेते हैं और आईज को बचाया जा सकता है। देर नहीं करनी है, कई बार हम सोचते हैं चलो 2 दिन बाद दिखाएंगे, 3 दिन बाद दिखाएंगे, इतनी देर में जो केमिकल या जो चिंगारी गई है वो धीरे धीरे आई को डैमेज कर सकती है। छोटी छोटी सावधानियों से हम दिवाली को और खुशनुमा बना सकते हैं और रोशन बना सकते हैं। दिवाली है भाई, रोशन कीजिए शहर, रोशन कीजिए घर, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखकर सेफ दिवाली भी मनाएं। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।